दोस्तों नमस्कार, मैं रवनीक वेग आपके समक्ष हूँ। दोस्तों ये मैं अभी इस समय अपने कानपुर के सेंटर में खड़ा हुआ हूँ और ठीक मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये आम का वृक्ष है। दिस इज़ दी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरे ठीक पीछे ये आम का वृक्ष है। और ये आप आम के पत्तों को भी देखिए कितने चिकने चिकने लंबे लंबे हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आम के जो पत्ते हैं इनके जो औषधि गुण हैं इनकी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा आपके सामने आज। अब हम में से सबको आम का तो बहुत शौक़ होता है, हमें भी है, परंतु हम में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको आम के वृक्ष के जो पत्ते हैं मैंगो लीव्स इनके औषधि गुणों के बारे में पता हो। तो पहली चीज़ है इनमें एक बहुत ताकतवर एंटी ऑक्सीडेंट है जिसको कहते हैं मैंगीफेरिन। मैंगीफेरिन जो एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है ये अंदर छिपे हुए फ्री रेडिकल्स को मारता है। फ्री रेडिकल जो हैं वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है और बीमारी के वो मूल कारण होते हैं। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, उच्च रक्तचाप है, इनके मुख्य कारण ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो ये जो आम के पत्ते हैं ये कैंसर के इलाज में, ख़ास तौर पे हृदय रोग के इलाज में, उच्च रक्तचाप के इलाज में और बहुत इम्पोर्टेंटली डायबिटीज़ के इलाज में बहुत काम आते हैं। कारण क्या है? जो इनका एंटीऑक्सीडेंट इनके अंदर मैंगीफेरिन है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये बीटा कैरोटीन का बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है। बीटा कैरोटीन क्या है? वो वाइटमिन है जो अंदर जाकर वाइटमिन ए में तब्दील हो जाती है। और विटामिन ए क्या है? एक फिर से ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। तो आम के जो पत्ते होते हैं ये बीटा कैरोटीन का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरी बात दोस्तों, आम के जो पत्ते हैं इनमें विटामिन सी होती है अच्छी मात्रा में। तो यानी कि विटामिन सी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत इसका हाथ होता है और साथ ही साथ एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो दोस्तों फिर से आम के पत्ते जो हैं ये आपका अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। यानी कि फिर से कैंसर, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, इनके उपचार में मदद करते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ इसमें आयरन भी बहुत होता है। तो यानी कि किसी को अगर हेमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, एनीमिया है, तो वहाँ भी आम के जो पत्ते हैं ये बहुत लाभकारी हैं। दोस्तों याद रखिए कि आम के जो पत्ते हैं इनका आप सेवन ज़रूर कीजिए। इसकी आप हर्बल टी बनाइए, इसकी हर्बल टी बनाकर आप इसका सेवन करें। साथ ही साथ आप ये भी जानें कि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थ बहुत अच्छी मात्रा में हैं जो फिर से हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। तो अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।